कश्मीर घाटी में कोविड 19 वायरस के फैलने के बाद अधिकारियों ने सभी सार्वजनिक स्थान बंद करने के आदेश दिए थे, जिसमें होटल इंडस्ट्री भी शामिल थी। अब जब प्रशासन द्वारा लॉकडाउन को खोलने का फैसला लिया गया है तो होटल और ढाबों के मालिकों को राहत मिली है। एक रेस्टोरेंट प्रबंधक ने कहा कि उचित प्रोटोकॉल के साथ वे रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। पैंडेमिक की वजह से हर शोभा को नुकसान पहुंचा है, खास तौर पर होटल इंडस्ट्री को ज़्यादा नुकसान पहुंचे हैं। और हम लोगों ने लगभग 3 महीने के बाद अपना बिजनेस रिज्यूम किया है। हम सिर्फ पैकिंग और होम डिलीवरी देते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि हमको भी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, ताकि हम टेबल का काम करेंगे तो SOP हम वो पूरी तरह से फॉलो करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता मागरे मंसूर ने कहा कि कोविड 19 वायरस से सभी व्यापारी केंद्र प्रभावित हुए हैं और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पिछले 3 महीनों से उन्होंने बहुत कुछ झेला है और सरकार को इस तरह की नीति अपनानी चाहिए जिससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिले। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट रिज्यूम हुए हैं और उनमें एक हमारा वो रेस्टोरेंट भी है, मगर उनके लिए जो गाइडलाइन है वो सिर्फ होम डिलीवरी और पैकिंग तक महदूद है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, खासकर डिप्टी कमिश्नर शोपियान से, कि जिस तरह मतलब बाकी लोगों को रिलैक्सेशन मिलती है, इसी तरह मतलब हमारे रेस्टोरेंट वालों को भी रिलैक्सेशन मिले, ताकि वो अपना मतलब जो फुल टाइम मिले, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मतलब कोविड 19 में बहुत लॉस उठाया है और अब वो जीना चाहते हैं और उनके लिए भी मतलब फुल टाइम दिया जाए। We'll be right back.